अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विथ मी ज़ारा नक़सिदबा। आज के इस एपिसोड में हम मैंगो क्रीम केक आपको बनाना सिखाएंगे फैटलेस स्पंज के साथ, ठीक है, और हम कीमे के बर्गर्स बनाना सिखाएंगे पोटैटो वेजेस के साथ। सो सबसे पहले मैं तो यहाँ केक बना के लेके आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि अगर हम केक को बेक करते, उसके बाद ठंडा करते, फिर काटते तो काफ़ी टाइम निकल जाता। सो हम एक केक आपके सामने बनाएंगे, इस केक को हम क्रीम के साथ मैंगोज़ के साथ सजा के पेश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 4 अदद अंडे लेने हैं और उनको अच्छी तरह बीट करना है। हायर के बिल्टन अवन में हम इस केक को बेक करेंगे। फैटलेस स्पंज का मतलब होता है इसमें बिल्कुल ना तेल है ना मक्खन है। अच्छा जी, 4 अदद अंडों को इतनी देर आप बीट करिए कि अच्छे से इस तरह के पेल हो जाएं, ठीक है। क्रीमी एंड पेल वेनिला एसेंस आप इसमें डालिए और आपने इसमें चीनी डालनी है, लेकिन एकदम से नहीं, एक एक चम्मच, 1 टेबलस्पून एट अ टाइम, ठीक है। तो अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर है उसमें बहुत आसानी से हो जाएगा, वरना ज़रा हाथों की अच्छी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। जितने अच्छे से आप अंडों को फेंटेंगे उतना अच्छा आपका लाइट केक बनेगा। ट्राई करिएगा, इसी तरह बनाइएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। मैंगो सीजन में है तो मैंगोज यूज़ करें, स्ट्रॉबेरीज हो तो स्ट्रॉबेरी करें, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है जी। ये हो गया, अब यहाँ मेरे पास है बेकिंग पाउडर और मैदा, ये हमें अच्छी तरह फोल्ड करना है, फोल्ड, ठीक है, बिल्कुल भी मशीन नहीं हम चलाएंगे। तो ये बस मैं थोड़ी सी चीनी मिक्स कर दूं अच्छी तरह, इतना पेल एंड क्रीमी आपका मिक्सचर फैटलेस स्पंज का होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसमें मैदा छिड़किए और हल्के हाथ से इसको कट एंड फोल्ड करिए, कट एंड फोल्ड, इस तरह कट एंड फोल्ड, ठीक है। नीचे से लीजिएगा बिकॉज नीचे मैदा बैठ जाता है, जाके नीचे सिंक हो जाएगा मैदा, ये देखा आपने, हल्के हाथ रखिएगा स्पैचुला से, हल्के हाथ से ऐसे कट एंड फोल्ड करिएगा। टिन रेडी रखिएगा, इसको आप तेल से ग्रीस कर दीजिएगा। साइड्स भी और बेस भी फिर आप इसको रख देते हैं हायर के बिल्टन अवन में, और जो केक में बना के लेके आई हूँ उसको क्रीम और मैंगोज के साथ हम, चलिए ये हो गया अच्छी तरह मिक्स। अब आपने इसको निकाला, इतना लाइट मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है। 15 मिनट तक आप बीट करिएगा अंडों को अच्छी तरह, और फिर आप इसको बेक करने रख दीजिए। ठीक है जी, ये गोज़ टू बेक। अच्छा जी, अब हम टर्न टेबल लेंगे, उस पर जो केक बनाया है मैंने वो रखेंगे। देखिए मैंने केक को बीच में से काट लिया था, ठीक है, इस तरह। तो इसको हम रखेंगे, इसको हम अच्छी तरह क्रीम लगाएंगे। अगर केक फ्रेश है तो यू डोंट नीड टू मॉइसन इट,
अगर केक फ्रेश नहीं है तो आपको इस पर कोई मैंगो का जूस थोड़ा डाल दीजिए या चीनी और पानी का शीरा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए या फिर दूध डाल दीजिए, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ क्रीम है, अच्छी तरह क्रीम को फेंटिएगा और इस तरह आप इसके ऊपर रखिएगा, ठीक है। फिर आप क्रीम को एजेस तक स्प्रेड करिएगा। ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से जैसे ही हम वापस आएंगे, मैंगोज़ के पीसेस कट करके रखेंगे, दूसरा केक का लेयर रखेंगे, फिर बाहर से भी हम क्रीम से कवर करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा शो हायर प्रेजेंस स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी ब्रेक से वापस आ गए हैं। क्रीम और फिर आपने इसके ऊपर चॉप किए हुए मैंगोज डाल दिए, ठीक है। फिर आप इसमें दूसरा केक का ये रख के और आप मजीद इस पे क्रीम लगाइए। पूरा हमें कवर करना है विद मैंगोज। इसके साइड्स को भी मैं क्रीम के साथ कवर करूंगी। टर्न टेबल होगी तो आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस इस तरह ऊपर से निकाल दीजिए। ये मेलन बॉलर है, इससे आप गोल गोल इस तरह फ्रूट्स काट सकते हैं फॉर डेकोरेशन। ओके जी, तो हमें डेकोरेट करना है ये केक और इसको हमें ठंडा करने रख देना है। हायर के बिल्टिन अवन में हमारा केक बेक हो रहा है और ये केक मैं डेकोरेट कर चुकी हूँ। इसको मैं फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ ताकि क्रीम पिघले ना। हमारा केक हो गया है, इसलिए आई वॉज वेटिंग कि आप लोग आएंगे ब्रेक से, तो आप लोगों को मैं दिखा दूँगी या निकाल दूँगी। नाइस एंड लाइट फैटलेस स्पंज, इसमें कोई तेल नहीं है, कोई मक्खन नहीं है। इसको बहुत 2-3 घंटे आपको ठंडा करना है। टिन में से निकालिएगा, फिर बीच में से काटिएगा और फिर आइस करिएगा। मीनवाइल हम बर्गर्स के साथ जो पोटैटो वेजेस बना रहे हैं, आलू को इस तरह वेजेस में काट के पानी में डाल के बस 5 मिनट मैंने बॉईल कर दिया था, ठीक है। अब इसमें हम लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे, ज़ीरा पाउडर है, थोड़ा सा नमक जाएगा, वाइट पेपर पाउडर है ये, ठीक है, सफ़ेद मिर्च, ये वाइट पेपर पाउडर जाएगा और थोड़ा सा तेल है, आलू, तेल, वाइट पेपर पाउडर, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर और आमचूर, ये आमचूर है, खटाई पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर जिसको कहते हैं। ये हर चीज़ आपको अच्छी तरह मिक्स कर देनी है। और इस डिश में आप रख दीजिए, फैला दीजिए इस तरह और फिर आप इसको अवन में रख दीजिए, ठीक है। अच्छा, मीनवाइल प्याज, अदरक और लहसुन है, इसको हल्का सा हम भूनेंगे पहले। थोड़ा
थोड़ा सा तेल पहले, प्याज, लहसुन चॉप किया हुआ और अदरक, इसमें आप हरी मिर्चें भी शामिल कर दीजिए। इसको पहले आप भून लीजिए, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें थोड़े से तेल में। बीफ का कीमा धो के छान लीजिएगा, एक्सेस पानी उसका निकल जाए, फिर आपने इसको इसमें मिक्स कर देना है। सो एक बोल ले लीजिए, कीमा पूरा ले लीजिए, इसमें बाकी सारे मसाले हम डाल देंगे। सो लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी है, जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, हरी मिर्चें आपने डाल दी थी, अब हरा धनिया मैंने डाल दिया और थोड़ा सा नमक। सौटे किया हुआ प्याज और हरी मिर्चें, अदरक लहसुन आपने इसमें शामिल कर देना है। नॉर्मली हम हर चीज़ कच्ची रखते हैं ना, ज़रा आज हम इस तरह डिफरेंटली करेंगे। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए, पैटी बनाएंगे हम शेप के और तेल में हम हायर के हॉब पे फ्राई कर देंगे। हम यूज़ कर रहे हैं हायर का हॉब, 3 burners in a row, ब्रास के बर्नर्स हैं, बेहतरीन चूल्हा है, स्मार्ट एंड सेफ हॉब। अच्छा जी, जब तक यहाँ मैं मिक्स कर रही हूँ ये बीफ का कीमा इसके सारे अज्जा के साथ, हमें रीकैप की तरफ भी चलना है। मैं रीकैप ब्रेक में इसको फॉर्म कर दूंगी और आपके सामने हम इसको शैलो फ्राई करेंगे और फिर बर्गर के बंस को भी हमें टोस्ट करना है। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आर शो। उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे पोटैटो वेजेस के साथ जो हायर के बिल्टन ओवन में बन रही है। स्टे ट्यून्ड। मैंगो क्रीम केक, अज्जा, अंडे 4 अदद, मैदा 4 ounce, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसी चीनी 4 ounce, वनीला या मैंगो एसेंस 1 चाय का चम्मच, फिलिंग के लिए अज्जा, कटे आम 1 कप, क्रीम 1 कप, क्रीम केक सजाने के लिए, फ्रूट सिरप या दूध केक मॉइस्ट करने के लिए, कटे आम केक सजाने के लिए। तरकीब, केक स्पंज बनाने के लिए एक प्याले में अंडे और पिसी चीनी अच्छी तरह फेंटें, फिर वनीला या मैंगो एसेंस मिलाकर मैदा और बेकिंग पाउडर शामिल करें। तैयार अमेजा ग्रीस की और पेपर लगे ट्रेन में डाल के 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से गर्म ओवन में 15 से 20 मिनट पकाएं, फिर ओवन से निकालकर जाली पर ठंडा होने दें। फिलिंग तैयार करने के लिए जब केक ठंडा हो जाए तो दरमियान से काटकर 2 तहें बनाएं और फ्रूट सिरप या दूध से केक मॉइस्ट करें। केक की निचली तह पर क्रीम से क्रीम और कटे आम की तह लगाकर दूसरा हिस्सा ऊपर रखें, क्रीम और कटे आम से सजाकर खूब ठंडा करके सर्व कर दें। स्पाइसी मिन्स बर्गर्स, अज्जा, गाय का कीमा 1/2 किलो, तेल 1 खाने का चम्मच, कटी प्याज 1 अदद, कटी अदरक 1 इंच का टुकड़ा, कटा लहसुन 2 जवे, कटी हरी मिर्चें 3 अदद, नमक 1 चुटकी, पिसा जीरा 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 3 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 से 2 चाय के चमचे, कटा धनिया 2 खाने के चमचे, पोटैटो वेजेस के अज्जा, आलू 1/2 किलो, तेल 1 खाने का चम्मच, पिसा जीरा 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 2 चाय के चमचे, मैंगो पाउडर 1 चाय का चम्मच। बर्गर बंस सर्विंग के लिए तरकीब, पोटैटो वेजेस बनाने के लिए एक पैन में पानी और आलू डाल के उबाल लें, अब इन्हें बेकिंग ट्रे में डालकर तेल ड्रिजल करें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 20 मिनट बेक कर लें, फिर मसाले को ब्लेंड करके आलू में मिक्स कर लें। उसके बाद एक पैन में तेल गर्म करके प्याज सौते कर लें, अब इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चें डाल के फ्राई करें। अब एक बोल में गाय का कीमा, प्याज का मिक्सचर और तमाम अज्जा डाल के पैटी बनाएं और फ्राई कर लें। आखिर में बर्गर पर पैटी रखें और आलू के वेजेस के साथ सर्व कर दें। जी, रिकैप से वापस आ गए हैं और यहाँ मैंने बर्गर बंस टोस्ट कर दिए हैं और यहाँ जो पैटी हमने बनाए थे उसको हम फ्राई कर रहे हैं। हमारे पोटैटो वेजेस भी हो गए हैं। आपने
टर्न करना है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज ऑब्वियसली कच्चा कीमा है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ इस वाले चूल्हे पे। अच्छी तरह ये हो जाए तो फिर उनको निकालिएगा और बंस में हम रख देंगे इसको, और फिर हम वेजेस के साथ इसको सर्व करेंगे। चलिए जी, अब थोड़ा सा आप केचप ले लें या चिली गार्लिक सॉस ले लें या वॉट एवर यू वॉन्ट टू अप्लाई ऑन द बेस ऑफ योर बर्गर्स, वो आप लगा दीजिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फिर आप एक पैटी उठाएं, रखते जाइए इस तरह। अब आप वेजेस के साथ इसको डेकोरेट कर दीजिए और सर्व कर दीजिए। कितना आसान था, कितना मज़ेदार सा डिफरेंट सा बर्गर है ये, ट्राई ज़रूर करिएगा और हमें भी फीडबैक दीजिएगा, और इसी तरह हमारे साथ रहिएगा और सारे एपिसोड्स देखते रहिएगा हायर के। हायर के बिल्ट इन ओवन में हमने ये फैटलेस स्पंज बनाया था, उसको बिल्कुल ठंडा करिएगा, उसके बाद उसको आप क्रीम और मैंगोज़ के साथ सजाइएगा और फौरन सर्व कर दीजिएगा। क्रीम को बहुत चिल्ड होना चाहिए ताकि अच्छी तरह आप उसको बीट कर सकें। और मैंने मिन्स के बर्गर्स थोड़ा सा डिफरेंट किया था, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को थोड़ा सॉटे करके फिर कीमे में डाला था, फिर उसके कबाब बनाए थे, फिर उसको फ्राई किया था हायर के हॉप पे। ठीक है, पोटैटो वेजेस हमने बनाए थे इन आर हायर बिल्ट इन ओवन। इसी तरह सारी रेसिपीज ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक देते रहिएगा। मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक और एपिसोड में, तो देखना मत भूलिएगा हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। अब दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।